आज हम लोग आए हैं राजस्थान की भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत एक जगह जिसका नाम है मंडलगढ़। राजस्थान सीरीज की पिछली वीडियो में हम लोग दिखाए थे कोटा से सुबह 5:30 बजे 19818 हल्दीघाटी एक्सप्रेस लेकर हम लोग पहुंचे मंडलगढ़, जहां हम लोग क्रॉस किए थे आरावल्ली के पहाड़ों को। अब हम लोग मंडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर है। यहाँ स्टेशन पर हर कोई दीवारों पर इतने सारे राजस्थानी पेंटिंग्स को देखकर मैं चकित रह गया। साफ सुथरा और राजस्थानी पेंटिंगों से भरी हुई ये स्टेशन देखकर शुरू से ही मंडलगढ़ के ऊपर मेरे अंदर एक अच्छा मनभाव पैदा हुआ। मंडलगढ़ स्टेशन में काफी कम ट्रेनें रुकती है, इसलिए स्टेशन के बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना भी मुश्किल है। पर मंडलगढ़ शहर मंडलगढ़ रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक्चुअली रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा ही मंडलगढ़ बाकी शहरों से कनेक्टेड है। कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी ये सब शहरों से मंडलगढ़ आने के लिए काफी फ्रीक्वेंट बसें मिलती है। ये शहर कोटा से 105 किलोमीटर, बूंदी से 86 किलोमीटर और भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटा छोड़ के कोटा के आसपास दो ही शहर हैं, जो शहरें कोटा को सेंटर करके घुमा जा सकता है और पर्यटकों के लिए आकर्षण रह चुका है, और वो दो शहर हैं बूंदी और मंडलगढ़। मंडलगढ़ काफी पुरानी जगह है, 15वीं सदी से भी पहले से है इसका इतिहास। राजस्थान में नदियों की कमी है, इसलिए यहाँ पर बने हर कोई ऐतिहासिक स्थल को अगर ध्यान से देखा जाए तो वही हर कोई स्थल कोई न कोई लेक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनजीवन के लिए पानी की जरूरत है। राजस्थान में नेचुरल और मैनमेड दोनों तरह की झीलें देखने को मिलती है। ठीक ऐसे ही मंडलगढ़ शहर बसा है जलेश्वर लेक के चारों ओर। मंडलगढ़ फोर्ट के ठीक सामने ये जलाशय है, यहाँ से मिलने वाले नज़ारे बहुत ही बढ़िया है। जलेश्वर झील के इस पार खड़े होके पहाड़ के ऊपर पूरा मंडलगढ़ किला दिख जाता है। किले के अंदर भी हम लोग जाएंगे, पर उससे पहले मंडलगढ़ के खानों को चखने बाजार की तरफ चल पड़े हम। बाजार इलाके में सुबह का नाश्ता करने हम लोग मंडलगढ़ गए। मंडलगढ़ शहर के अंदर एक चौराहा है, वहीं पे है यहाँ का बस स्टैंड, और बस स्टैंड के जस्ट ऑपोजिट में है एक हलवाई की दुकान जिसका नाम है न्यू डायमंड होटल। ये दुकान यहाँ की बहुत ही पुरानी दुकान है और इस इलाके पर नाश्ते और मिठाइयों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ आते ही हम लोग को इमराती बनती हुई दिखी। ये जलेबी नहीं है, ये है इमराती। बनाने की प्रक्रिया जलेबी जैसे ही है, पर जलेबी और इमराती में अंतर यही है कि जलेबी का बैटर मैदे से बनता है और इमराती का उड़द के दाल से, पर बाकी बनाने की प्रक्रिया एकदम सेम है, जैसे कि तेल में तलना और चासी में डुबाना ये सब। उसी के ठीक बगल में एक आदमी दिख गए जो कचौड़ी बना रहे थे। इमराती, जलेबी ये सब मुझे बहुत पसंद है, पर ये सब भारत के और कई जगहों पे भी अच्छी मिल जाती है। मुझे यहाँ खाना था कचौड़ी और यहाँ का सेव और घेवर। राजस्थान में घेवर, कचौड़ी और यहाँ का सेव नाश्ते के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खाने की चीजें हैं। ये तीनों चीजें इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी स्वादिष्ट पूरे भारत में और कहीं नहीं मिलती। खास करके अगर कचौड़ी की बात की जाए,
कोटा केंद्रिक इलाके में कचौरिया बहुत ही स्पेशल होती है। चलिए एक एक करके चखते हैं यहाँ के खानों। यह है राजस्थानी घेवर। मैदा, दूध और चीनी एक सर्टेन अनुपात से मिलाकर घी में तलकर यह राजस्थान की स्पेशल मिठाई बनती है और घेवर के ऊपर मलाई डालकर बनते हैं मलाई घेवर। हमारे लिए खाना परोसा गया और उसमें था कचौड़ी, सेव और मलाई घेवर। पहले मैंने टेस्ट किया मलाई घेवर, स्वाद था बहुत ही बढ़िया। इट वॉज मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। उसके बाद मैंने टेस्ट किया सेव। तीन चार तरह के सेव मिलाकर मैंने एक मिक्सचर बनाने के लिए बोला था। चटपटी नमकीन, बहुत ही स्वादिष्ट और इसमें हींग का स्वाद भी काफी प्रोमिनेंट था। आखिर में मैंने टेस्ट की यहाँ की कचौरी। कचौरी के अंदर दाल की स्टफिंग होती है और ये स्टफिंग थी काफी मसालेदार और बहुत ही स्वादिष्ट और इस स्टफिंग में हींग का मात्रा भी काफी ज्यादा था। कुल मिलाकर इतनी सुंदर स्टफिंग वाली कचौड़ी मैंने बहुत ही कम खाई है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी जगहों पर भी छुपा रहता है जायकों का खजाना और मंडलगढ़ में इस कचौड़ी के अंदर मुझे ऐसा ही कुछ खजाना मिल गया। अब हम लोग चलने लगे मंडलगढ़ किले की तरफ। जो लोग इतिहास के बारे में इसके पीछे उतना इंटरेस्टेड नहीं है, उन लोगों से भी आवेदन है कि इस किले को कभी मिस नहीं करना चाहिए। पहाड़ के ऊपर ये किला होने के कारण किले के टॉप मोस्ट पॉइंट से बढ़िया नजारा देखने को मिलता है और साथ ही में बहुत ही अच्छी बात है कि इस किले के अंदर हर पॉइंट तक गाड़ी जा सकती है, इसीलिए कोई भी पर्यटक को एक दफा भी पैदल चलने की जरूरत नहीं है। पैदल चलने के चक्कर में काफी सारे पर्यटक किले को अवॉइड करना चाहते हैं, पर इस किले में वो मसला नहीं है। अब ध्यान देते हैं इसके इतिहास के ऊपर। मंडिया भील बोल के एक राजा ने 1500 सदी में इस किले का निर्माण कराया। मंडिया भील द्वारा निर्मित यह भव्य गढ़ है जिसमें मंदिर है। 15वीं शताब्दी के मध्य भाग में मालवा के महबूब खिलजी ने इसे दखल और बाद में इस किले पर मेवर और मुगल सम्राटों ने भी राज किया। मुगल सम्राटों में से औरंगजेब एक सम्राट है जिसने इस किले पर राज किया। 1947 तक ही ये किला कोई ना कोई राजा या फिर उनके वंशजों के अधीन रह चुका है।
ये जगह किले का टॉप मोस्ट पॉइंट है और इस इमारत के छत पर जाके ही पूरा मंडलगढ़ शहर और उसके आसपास के आरावल्ली पर्वतमालाओं के पहाड़ों का बढ़िया नजारा मिलता है।